जी, वेलकम टू जब वी मेट। ठीक है, हम अरे इतना परेशान काहे दिख रहे हैं भाई सुबह सुबह? नहीं परेशान काहे हैं, परेशान नहीं है, पर हम माथे पे शिकन थी। हम क्यों परेशान रहेंगे? देखिए, जिसके पास कुछ खोने के लिए होता है वो परेशान होता है ना। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, हम क्यों परेशान होंगे? कांग्रेस के कार्यकर्ता क्या इस बात से नाराज है यहाँ पे कि जैसे उदित राज हैं, आप हैं, बाहर के लोगों को टिकट मिल रही है, संदीप दीक्षित, अरविंदर लवली, कई सारे लोकल कैंडिडेट्स हैं जिनको? कार्यकर्ता नाराज नहीं है। आप कैंपेन में चलेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो है लोकल सारे जो लीडर हैं, वर्कर हैं, वो चुनाव में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। होता क्या है कि एक ही सीट पर कई दावेदार होते हैं, जब मिलना तो किसी एक को है, तो जिसको मिला है उसके बाद जिनको नहीं मिला है उनके मन में थोड़ी सी जो है थोड़ा रोष हो सकता है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि पार्टी छोड़ने का निर्णय जो है ना वो इस आधार पर लिया जाता है, इसकी कोई और वजह हो। आपको क्या लग रहा है, पैसा वैसा मिला उनको? नहीं, मुझे नहीं पता है। ऐसे ही आप छोड़ रहे हैं कुछ? नहीं, हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से छोड़ते तो मैं तो अभी पार्टी में हूँ, वो तो इससे पहले ही छोड़ के चले। चलिए, आइए आपका कैंपेन देखा जाए। कन्हैया बाबू, JNU की कैंटीन का खाना बेहतर है या नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट का खाना बेहतर है? अरे देखिए, जो खाने से पेट भर जाए वो खाना बेहतर है। जब JNU में थे तो JNU के खाने से पेट भरते थे तो वो बेहतर था। अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हैं, यहाँ जो लोग खाते हैं वो खाते हैं, उससे पेट भरते हैं तो वो बेहतर है। ये सुरेश जी हैं। सुरेश यादव, कैंपेन ऑफिस के बाजू में ही आपने बनाया है? अच्छा, चल रहा है 14-15 साल से यहाँ पे। अच्छा, कैसा चल रहा है भाई अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है, हमसे पहले से हैं ये यहाँ पे। देख रहा हूँ आपने पूरा UPI सारा लगा रखा है, तो काफी डिजिटल इंडिया का फायदा हो रहा है। मोदी जी ने जो किया उससे काफी कुछ मिला आपको? नहीं मिला? बस ये UPI चला रहा हूँ। UPI चला रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए, तो बड़ी बात है कि नहीं कि ऐसी जगह पे भी ठेले में भी वो डिजिटल पेमेंट वगैरह सारा कुछ कर रहा है। इसमें मोदी जी क्या कहेंगे मुझे बताइए? पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किए सर। आधार कार्ड का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेके नहीं आती, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर का योजना अगर कांग्रेस पार्टी लेकर के नहीं आती, इस देश में अगर कंप्यूटर क्रांति जो है राजीव गांधी नहीं किए होते तो UPI ऐसे थोड़ी हो गया है। देखिए, झूठ का ना कोई सिर पैर नहीं होता है। हकीकत ये है ना, इनसे पूछिए कोविड से पहले ये कितना कमाते थे और अब इनकी कमाई पे क्या असर। भाई कमाई आपकी ठीक चल रही है कि नहीं? कोविड के बाद से काफी कम हो गई है। आप यार, तुम इनके बाजू में बैठे हो इसलिए बोल रहे हो? नहीं भाई, क्या बात कर रहे हैं भाई, ये यहाँ सुनिए। और तुम हो भी कैंपेन ऑफिस के बाजू में? जितने यहाँ पे कारखाने थे पहले जो कांग्रेस के राज में थे, वो आज बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सब नोटबंदी दफ्तर है भाई, कैंपेन ऑफिस के बाजू में। सर उसको मालूम है क्या बोलना है? अरे दफ्तर तो मैं अभी खोला हूँ 14 दिन पहले, ये तो यहाँ 14 साल से है, ये हमसे पहले से है यहाँ से। मोदी जी से हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है। नहीं, पर आप जैसे अटैक करते हैं उसको देख के तो लगता है कुछ पर्सनल ही। नहीं, कोई पर्सनल नहीं है। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी है। मैं इस देश का नागरिक हूँ, जो वादे उन्होंने हमसे किए थे हम उसके बारे में सवाल पूछते हैं। मेरी उनसे कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी है। और हकीकत हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि सच्चाई दिखाइए, झूठ मत बोलिए। जीत हार जनता तय करती है, उम्मीदवार तो जो है लड़ता है, वोट से ही जीतेंगे ना। वोट तो लोगों को देना है, हमारा काम है उनके सामने एक विकल्प के तौर पे ईमानदारी से खड़े रहना, वो जिम्मेवारी हम निर्वहन कर रहे हैं। इनको देने दीजिए, इनको DA मिलता है, ये देंगे ना उससे UPI से। अरे वाह भाई, ये पहली बार है कि नेता बोल रहा है कि मैं ही दूं, वरना तो नेता खिला पिला देता है। ठीक है, आपको DA मिलता है? हाँ, DA मिलता है, DA मिलता है। सर आपका हो गया भाई पेमेंट? हाँ, हो गया। सुरेश बाबू शुक्रिया, थैंक यू। दिल्ली में कई सारे पूर्वांचली वोटर हैं, लेकिन जब वो बिहार में वोट डालता है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में डालता है, वोटर की साइकी में आप क्या फर्क पाते हैं? देखिए, साइकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इश्यूज के बारे में आपको बता सकता हूँ। खास करके उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं, वहाँ पर प्रमुखता से जो है लोगों के बीच में ट्रैफिक जाम की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, जल भराव की समस्या है। आपसे तो मैं ये भी आग्रह करूँगा कि एक बार आप
सांसद जी ने जो दो गांव गोद लिए थे उन गांव को भी जाकर के देख लीजिए। तो बिहार में भी महंगाई इशू है, बेरोजगारी इशू है और यहां पर भी ये इशूज हैं। साइकी का मुझे नहीं पता, लेकिन इशूज जो है मुझे लगता है कि कमोबेश जो है एक जैसे हैं। हर जगह लोग विकास चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। पर जो इशूज की आप बात कर रहे हैं वो तो ज्यादा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के इशूज है ना। अगर आप एमपी बन भी गए यहां पे आप क्या कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने इसकी तफसीस की है। हमारे साथ एमएलए साहब हैं। यहाँ ज्यादातर विकास के काम जो हैं वो प्रशासनिक अरंगे की वजह से अटकाई गई है। आम आदमी पार्टी बोलेगी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर उनकी सुन नहीं रहा है इसलिए ये फंसा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप सांसद भी बन गए तो आप क्या कर पाएंगे भाई? सांसद तो उस इशू को पार्लियामेंट में उठाए ना, सवाल पूछे ना, उनकी तो सरकार भी है। पर विपक्ष तो पार्लियामेंट को चलने ही नहीं देता है। वो तो कल मैं पीएम से मिला, वो बोल रहे थे भाई हम तो चाहते हैं बहस हो, हर रोज वो डिस्टर्बेंस का कोई मुद्दा लेके आ जाते हैं। पीएम खुद कितनी बार पार्लियामेंट आते हैं, कैसी बात करते हैं? पीएम 10 साल में कितना बार जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कैसी बात कर रहे हैं? वो तो खुद ही नहीं जो है लोगों के सवालों का जवाब नहीं, नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एमपी बनाना, यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन कैसे है, आप कैसे लोग एमपी बनाने का मतलब क्या होता है? एमपी तक का काम तो यही है ना कि अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को उठाए और जो है उसको एक आवाज दे संसद में। जब सांसद 10 साल में एक सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं इस क्षेत्र को लेकर के, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हैं और उनके जो फंड आते हैं उसको वो खर्च नहीं करते हैं, तो इसको तो एक सांसद रिजॉल्व कर सकता है ना अपने इंडिविजुअल लेवल पर। कन्हैया, जब से आपको कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अपना एमपी कैंडिडेट अनाउंस किया है, तब से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी है। कई सारे जो वरिष्ठ लोकल यहां के दिल्ली के लीडर्स हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं कि बाहरी लोगों को कांग्रेस पार्टी मौका दे रही है, लोकल टैलेंट को रिकग्नाइज नहीं कर रही। देखिए, लोकल की अगर बात कीजिएगा तो हम तो जमीन पे चल रहे हैं। पार्टी के की जमीन होती है जमीनी कार्यकर्ताओं से। कार्यकर्ता तो हमारे साथ हैं और अच्छी खासी संख्या में हैं, जोश में हैं, उनको उम्मीद है कि वो जीतेंगे। नेताओं की अपनी कई सारी मजबूरियां होती हैं, उसके आधार क्या मजबूरियां होती हैं? अरविंदा लवली क्यों छोड़ गए? वो तो बोल रहे बाहरियों को बनाए इसलिए छोड़े। नहीं, ये सब लोग तो यहीं के लोग हैं ना। हाँ। सब तो यहीं के। चौधरी साहब आप कहाँ से हैं? मैं यहीं का हूँ। आप क्या थे? मैं पार्षद रहा हूँ। आप विधायक यहाँ से? पूर्व विधायक। और ये कौन है? मौजूदा विधायक मंत्री। अब क्या, कौन सी बात? तीन बार पार्षद रहा हूँ। नहीं, मैं कह रहा था कि बाहरी को दे दी टिकट तो लोकल जो लीडर्स है उन्हें। कोई बाहरी नहीं है, मनोज चौधरी भारी है। कांग्रेस की तो स्थिति आजकल का नहीं है, बहुत खराब है। आपको लग रहा है कुछ आप योगदान दे पाएंगे इस पार्टी को फिर से खड़ा करने में, क्योंकि ये तो एकदम डूबती ही जा रही है? नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि ये तो भाजपा का नैरेटिव है। भाजपा नहीं, मैं तो वोट शेयर देख के बता रहा हूँ। नहीं, वोट शेयर देख करके आप अगर बता रहे हैं तो आप मुझे बताइए कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कौन सी है? कांग्रेस। तो ये नैरेटिव बीजेपी एक्चुअली चला रही है। नहीं, नहीं, पर किस तरह का विपक्ष? मजबूत विपक्ष है, बहुत कमजोर विपक्ष। जितनी उनकी स्थिति है वोट शेयर में तो बहुत ही कमजोर विपक्ष ने ऑलमोस्ट आधी है बीजेपी के। विपक्ष का काम है विकल्प देना, विकल्प चुनना जनता का काम है। हम विकल्प के तौर पे खड़े हैं, चुनने का काम जनता का है। ठीक है, और ये बात मेरा इस पर सिंपल ये है कि अगर कांग्रेस इतनी कमजोर है तो प्रधानमंत्री को क्या जरूरत पड़ी है कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बात करने की? क्योंकि विपक्षी पार्टी तो वही है, तो कांग्रेस की शक्ल दिखाओ, अपने लिए वोट मांगना। फिर अपना घोषणा पत्र क्यों नहीं बताते हैं? इस बार आया भी है कि नहीं? आया तो है संकल्प पत्र, क्या है उसका मुख्य बात? नहीं, वो बहुत कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मजबूत नेता की। हम कह रहे हैं कि महिलाओं को 1,00,000 रुपया देंगे, 8,500 महीना देंगे, युवाओं को 1,00,000 की नौकरी देंगे, 30,00,000 जो है पद भरेंगे, किसानों के लिए जो है एमएसपी के कानून की गारंटी करेंगे, ऐसा कोई एक चीज आप बताइए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कि उनके लिए इस बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आइडियोलॉजिकल एजेंडा? बेरोजगारी की बात नहीं, उन्होंने उसकी भी बात की, कई सारी बात नहीं कर रहे हैं। तो देश में जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है? जो उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी मिलेगी, तो जो है 10 साल में 20 करोड़ नौकरी होना था, तो उस पे उनका क्या कहना है? नहीं, जहाँ तक इस नौकरी का सवाल है, कल हमने पीएम से ये सवाल पूछा भी, लेकिन कुल मिला के स्थिति ये है कि लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और बीजेपी की बातें सुन रहे हैं, उनको फिलहाल ये लग रहा है कि जो बीजेपी के वायदे हैं या जो उनके आश्वासन है उनमें ज्यादा दम है। नहीं, यही नैरेटिव है, मैं कह रहा हूँ अगर उनके आश्वासन में दम है। सर, अभी हाल में हिंदी हार्टलैंड में तीनों स्टेट्स वो जीते, नैरेटिव नहीं, आंकड़ों की हकीकत है। आंकड़ों की हकीकत है, उनसे 9,000 ज्यादा वोट आया हमको, ये भी तो आंकड़े की हकीकत है। 9,000 ज्यादा वोट आया ना, मेरा एक लॉजिकल क्वेश्चन है,
हैं कि अगर उनके घोषणा पत्र में दम है तो अपना घोषणा पत्र छोड़ करके हमारे घोषणा पत्र की बात क्यों कर रहे हैं। चुनाव में हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने उड़ा रखी है कि अगर मोदी जी जीत गए फिर से बड़ी संख्या में सीटें आ गई तो संविधान बदल देंगे। मोदी जी बार बार बोल रहे हैं अरे भाई कतई नहीं, मरने दम तक नहीं बदला जाएगा संविधान। नहीं नहीं, ये बात विपक्ष ने नहीं बोली है, ये बीजेपी के नेताओं ने बोला है। छोड़ भैया नेताओं, ज्यादा बड़े नेता, मोदी जी ने नहीं बोला, अमित शाह ने नहीं बोला, राजनाथ ने नहीं बोला, योगी जी ने नहीं बोला। तो मोदी जी ने उनको पार्टी से निकाल दिया, उसकी तो टिकट काट दी ना आनंद हेगड़े की। नहीं नहीं काटी, जो जो नाटक वाले की काटी, नहीं मेरठ वाले की काटी। नहीं काटी। क्यों नहीं काटी? उन्होंने लेकिन खंडन किया कि भाई हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं और ना संकल्प पत्र। टिकट क्यों नहीं, उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला? जवाब देना, मैं क्या जवाब? मैं वही कह रहा हूँ कि ये नैरेटिव जो है, यह बात बीजेपी के नेताओं ने बोलना शुरू किया कि हमको 400 सीट दीजिए हम संविधान बदलेंगे। और सिर्फ यही नहीं किया, व्हाट्सएप पे नए संविधान की प्रस्तावना उन्होंने घुमानी शुरू की, नया संविधान का प्रस्तावना घुमाना उन्होंने शुरू किया। तो ये तो बीजेपी ने शुरू किया ना, ये वो बार बार बोल रहे कि गलत है, फिर भी विपक्षी नेता हर सभा में बोलते हैं संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। नहीं तो वो कार्रवाई करें ना जिन्होंने भाजपा के नेताओं ने कहा कि हम नहीं कर रहे। नहीं नहीं, वो कार्रवाई तो करें जिन्होंने कहा है। तो अरे आप थोड़ी देर करेंगे वो अपनी पार्टी कैसे चलाएंगे, वो बोल रहे भाई हम नहीं बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे, यही तो कह रहे हैं कि वो कैसे मालूम बदलेंगे, क्योंकि वो भाजपा वाले जो है वो नए संविधान का कॉपी व्हाट्सएप पे घुमा रहे हैं। कौन सा नया संविधान देख लिया व्हाट्सएप पे, दिखाइए मुझे। नहीं मैं कब से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में विश्वास करने लगा? इसका मतलब ये मैसेज तो वो चला रहे हैं ना भाजपा के लोग, ये मैसेज आपको कैसे मालूम? मैं भी बोल सकता हूँ कि आप भी व्हाट्सएप क्यों आ रहे हैं। मैं आप आम लोगों से बात कर लीजिए, खास करके इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनके मन में ये बात इसलिए आई है क्योंकि ये मैसेज भाजपा के लोगों ने चलाना शुरू किया। तो आप ऐसे ही उड़ा रहे हैं, आप भी तो खौफ ही पैदा कर रहे हैं। नहीं, जाने आप सच बोल रहे हैं, आप भी प्रोपेगेंडिस्ट बन गए। हम नहीं खौफ पैदा कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो है इसका खंडन करें। वो तो कर चुके हैं, तो भाजपा के जिस नेता ने किया उस पर कार्रवाई करें। एक आदमी तो हो भी गई कार्रवाई? नहीं, किसी पे कार्रवाई नहीं। आनंद हेगड़े की टिकट कटी? नहीं, उसको पार्टी से निकाला क्या? उसने माफी मांगी क्या? उन्होंने क्लैरिफाई किया कि नहीं मैंने ऐसा? नहीं, आनंद हेगड़े ने कहा कि जो है, उन्होंने बोला कि हाँ ये मेरी निजी राय है, मेरी पार्टी की राय नहीं है। अच्छा, ये निजी राय है, तो जो निजी राय है कि कुछ ना कुछ राय होती है, गिरिराज जी की कोई राय होती है, आपकी कभी कभी कोई राय होती है। नहीं, तो नहीं, नहीं, लेकिन संविधान की बात तो बहुत बड़ी बात है ना, संविधान बदलने की बात तो बहुत बड़ी बात है। कर ही नहीं रहे संविधान, तो जूता बदलने की बात थोड़ी है कि उनका निजी राय है, बोल ही नहीं रहे। शर्ट बदलने की बात तो है नहीं। ये जो सीट आपको मिली है काफी मुश्किल सीट है, क्योंकि यहाँ पे तो मनोज तिवारी पिछले चुनाव में बहुत बड़े मार्जिन से जीते थे, और शीला दीक्षित जैसा हैवीवेट कांग्रेस का कैंडिडेट वो भी करीब 23% वोट ला पाए थे, 53-23, तो बहुत गैप है सर। हाँ, चुनौतीपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है ना कि जनता किसी भी चुनौती को आसान या मुश्किल बनाती है। मनोज तिवारी जी को लेकर के लोग बहुत निराश हैं, बहुत दुखी हैं, और जनता जो है राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक कार्यकर्ता से आगे हैं, वो एक बदलाव चाहते हैं इस क्षेत्र में। इसलिए मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये मुकाबला जो है वो चुनौतीपूर्ण नहीं रह गया है। पिछली दफा कन्हैया जब आपसे मुलाकात हुई थी, आप बिहार के बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे, बिहार के बेगूसराय में चुनाव लड़ने में सीपीआई की टिकट पर और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में कांग्रेस की टिकट लड़ने में क्या फर्क पाते हैं? देखिए, सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि जब हम 2019 में बेगूसराय में चुनाव लड़ रहे थे तो हमारी पार्टी का किसी और पार्टी से, जैसे आरजेडी या कांग्रेस से, कोई गठबंधन नहीं था। उस वक्त भी चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया, पार्टी ने चुनाव लड़ाने का फैसला किया, तब हम उस पार्टी में थे। और अब जब हम कांग्रेस पार्टी में हैं, आज भी लड़ने का फैसला और लड़ाने का फैसला जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, तब भी जो है हम एक कार्यकर्ता की तरह जो भी जिम्मेवारी पार्टी देती थी उसका निर्वहन कर रहे थे, और आज भी एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी ने जो जिम्मेवारी दिया है उसका निर्वहन कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के कैंपेन ऑफिस में लिखा है लड़ेगी दिल्ली, जीतेगा इंडिया, और ऊपर बड़ा बड़ा लिखा है वार्निंग। कन्हैया जी, ऊपर भाई ऐसा क्या है कि इतना बड़ा वार्निंग लगाने की जरूरत है? एक्चुअली आपके जैसे जब बड़े कद के लोग आते हैं ना तो थोड़ा सर झुका करके जाएं, नहीं तो इतना बड़ा नहीं है कि इससे बचने। नहीं, आप यहाँ खड़ा होंगे तो आपके सर पे चोट लग जाएगी। नहीं, वहाँ पे लिखा है लड़ेगी दिल्ली, जीतेगा इंडिया। अभी तो लड़ाई आप ही के अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी में ही चल रही है, वो स्वाति मालीवाल के इशू पे आपस में ही लड़ पड़े हैं सब, विभव और स्वाति और
केजरीवाल खामोश है, न जाने क्या हो रहा है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, दिल्ली लड़ रही है अपने हक और अधिकार के लिए, और दिल्ली जब अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से साथ की साथ सीट दिल्ली जीतेगी, और जब दिल्ली सात सीट जीतेगी तो इंडिया जीतेगा। नहीं नहीं बट काफ़ी सारे कोऑर्डिनेशन के भी इश्यूज हैं ना, एक तो केजरीवाल जेल में थे काफ़ी टाइम के लिए, उसके बाद अब जब आए हैं वो ज़्यादा उनका फोकस आप पे है, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के लिए कम वक्त निकाल पा रहे हैं। नहीं नहीं कल ही जो है सीएम साहब ने जो है वो रोड शो किया है सब तीनों कैंडिडेट। तो कांग्रेस आपने क्यों नहीं ज्वाइन किया, जैसे अगर आप चाहते आप चले जाते किसी और पार्टी में तो जा सकते थे, कांग्रेस ही क्यों? मैंने पर ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, मुझे कांग्रेस ज्वाइन किए हुए 2 साल हो गए। नहीं नहीं तो क्या सोच थी आपकी, क्योंकि आप तो लेफ्टिस्ट विचारधारा से थे तो कांग्रेस में कहाँ से आ गए, आपको लगता है कांग्रेस अब लेफ्टी हो गई? नहीं नहीं लेफ्टिस्ट विचारधारा से होने का क्या मतलब है। हाँ लेफ्टिस्ट विचारधारा से होने का मतलब है देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ना। लेफ्टिस्ट विचारधारा का होने का मतलब है इस देश के अंदर युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए लड़ना, इस देश के अंदर महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, पत्रकारों के साथ, उनके हक के लिए लड़ना। और वो लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, पिछले जो है 10 साल से लड़ रहे हैं। आप राहुल से काफ़ी प्रभावित नज़र आ रहे हो, आप साथ में आपने वॉक की उनकी एकता यात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। हाँ क्योंकि उनकी जो है ना बातों में मुझे एक ऑनेस्टी दिखती है, उनके काम में जो है उनके एक्शन में एक इंटीग्रिटी दिखती है, और वो जो है हमारे जैसे साधारण लोगों को बहुत ही हृदयता से जो है स्वीकार करते हैं। अब आपकी जो बातें उसको कैसा देखा जाए, ये आपकी वाकई में ऑनेस्टी है जो बोल रही है या पॉलिटिकल एम्बिशन है आपका? नहीं नहीं पॉलिटिकल एम्बिशन होता तो बीजेपी में होते ना, सारा पॉलिटिकल एम्बिशन तो जो है बीजेपी। बीजेपी आपको लेती ही नहीं? अरे क्या बात कर रहे हैं, हार्दिक पटेल को ले ली। नहीं पर वो तो फिर भी संघ के ही परिवार से आते हैं, उनकी अच्छा? तो ट्यूनिंग वहीं पे है, आपकी ट्यूनिंग तो बीजेपी से बहुत दूर है, बीजेपी कभी ना ले भाई। बीजेपी अपने जो है विचारधारा के धूर विरोधी लोगों को नहीं लेती है। मैं आपको जो है ना इससे कम से कम 100 एग्जांपल गिना सकता हूँ, 100, एक नहीं। बीजेपी के लिए इस बात से कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आपको आया कोई ऑफर? नहीं नहीं मैं कहता हूँ कि मुझे ऑफर आने या ऑफर स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं है ना, क्योंकि हमारी लड़ाई जो है वो आपने जो सवाल पूछा वो एम्बिशन की तो है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो जो है वो इस देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने की है, और एम्बिशन पूरा करना है इंडिविजुअली। अगर ये लक्ष्य होता तो एम्बिशन तो आजकल बीजेपी पूरा कर रही है, मैंने उस पर आपको ये जवाब दिया है। ये आपका मतलब कैंपेन ऑफिस है? कैंपेन ऑफिस है, वॉर रूम तो हम नहीं कहते हैं, चुनाव है ये, कोई वॉर तो नहीं है तो वॉर रूम नहीं कहते हैं, कैंपेन ऑफिस है, चुनाव कार्यालय है ये। देख रहा हूँ काफी युवा भी आपके साथ जुड़े हैं, जेएनयू वाले हैं या नहीं, कहीं कहीं से लेके आए? नहीं नहीं मैं जो है एनएसवाई का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ ना, तो ताकत लगी कांग्रेस पार्टी की जो स्टूडेंट विंग है उसका मैं नेशनल। तो लेफ्ट की स्टूडेंट बॉडी हेड करने में और कांग्रेस की स्टूडेंट बॉडी हेड करने में क्या फर्क है? नहीं मैंने लेफ्ट की स्टूडेंट बॉडी तो कभी हेड नहीं किया। उसके सदस्य थे आप? लेफ्ट की स्टूडेंट बॉडी में रहने में और एनएसयूआई हेड करने में क्या फर्क? फर्क है, काफी फर्क है। एक तो जो है जो वर्क कल्चर है वो दोनों जगह पे क्या फर्क है? लेफ्ट वाले ज्यादा मेहनत करते हैं? ज्यादा कम मेहनत की बात नहीं है, पॉलिटिक्स डिप्लोमेटिक हो गया, कल्चर जो है ना वो डिफरेंट होता है। जैसे एनएसवाई में एक्टिविटी होती है, लेफ्ट में एक्टिविज्म होता है। ये शिव मंदिर है जहाँ कन्हैया जी जा रहे हैं, लगता है मंदिर मंदिर जाके माता टेक रहे हैं कि भाई वोट पड़ जाए। नहीं नहीं धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं, हमारे लिए धर्म और राजनीति अलग अलग है, पूरी तरह से अलग अलग है। हम धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगते हैं, और यह बात हम मंदिर में खड़े होकर आपको बोल रहे हैं। नहीं पर बीजेपी तो विपक्षी नेताओं पे पार्टियों पे आरोप लगाती है वो धर्म मानते ही नहीं है, क्योंकि जब नवरात्र चल रहे होते हैं तभी मटन मांस खा रहे हो। वो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं इसलिए वो इसी बात करते हैं, हम धर्म के नाम पे नहीं करते। मैं ऑन कैमरा मंदिर प्रांगण में कह रहा हूँ, हम धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करते हैं और कभी भी धर्म का इस्तेमाल राजनीति में नहीं करेंगे। धर्म और राजनीति अलग अलग होती है, राजनीति कई बार लोगों को लड़ाती है लेकिन धर्म हमेशा जो है ना आपसी प्रेम और भाईचारे से चलता है। चलिए अब तो भगवान को ही तय करना है कि पार्लियामेंट में आपको बोलने का मौका मिलेगा या इसी तरीके से सड़कों पे कैमरों पे बोलते रहोगे या संसद भवन में भी आपसे मुलाकात होगी। वो तो जो होना होगा होगा। चलिए मिलते हैं 4 जून के बाद, आपने वक्त निकाला कन्हैया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।